तो हेलो और सब गाइस, तो कैसे हो आप सब लोग। तो गाइस मैंने कल एक वीडियो बनाया था कि कैसे आप लोग प्राइम सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर सकते हो। तो उनमें से बहुत से लोग बोल रहे थे कि उन लोगों का ऑटोमेटिक सब्सक्रिप्शन तो ले हो चुका है, वो कैंसिल कैसे करें। तो गाइस मैं आप लोगों को वापस एक और बार बोल देता हूँ कि अगर आप प्राइम लेने के लिए या फिर प्राइम प्लस लेने के लिए सोच रहे हो तो फिर आप लोग गूगल पे गिफ्ट कार्ड से लेना, ठीक है। सोच लो कि आप प्राइम प्लस लेगा तो फिर आप प्राइम प्लस के ऊपर प्रेस करो। उसके बाद जब इधर पे जो बैलेंस दिखा रहा है तो आप इधर पे रिडीम कोड वाला जो ऑप्शन है, ये रिडीम कोड इधर से गूगल पे गिफ्ट कर सेव करना, ठीक है। तो ये तो हो गया। और बाकी बात की बाय चांस अगर आपने ले लिया प्राइम सब्सक्रिप्शन तो उसको कैंसिल कैसे करना, देखो अगर आप आज के दिन कैंसिल करोगे तो ऐसा नहीं कि आपके उसी मिलना बंद हो जाएगा। आज कैंसिल करना मतलब नेक्स्ट महीने का सब्सक्रिप्शन आपको कैंसिल करना होगा। वो कैसे करोगे, दो चीज़ें। पहली बात देखो, आप कौन जिस जीमेल से खरीद रहे हो वो जीमेल आपके फ़ोन से एक बार रिमूव करो, फिर वो जीमेल ऐड कर दो। मतलब देखो अगर मैं आप खरीदने जाऊँ तो मैं दिखा दो मेरा कौन सा, आप लोग देख सकते हो इधर पे मेरा जीमेल दिखा रहा है, देख सकते हो। देखो मेरा जीमेल ऊपर शो हो रहा है, रिपन बुनिंग 2000@gmail.com, ठीक है। ये वाला जीमेल से मेरा मतलब वो सब्सक्रिप्शन होगा। तो अगर मैं खरीदने के बाद ये वाला जीमेल को फ़ोन से एक बार रिमूव कर दूँ या फिर आप पासवर्ड भी चेंज कर दोगे तो आप लोगों को सब्सक्रिप्शन कैंसिल हो जाएगा। अगर ये नहीं होता है तो फिर दूसरा ट्रिक वो तो बहुत ही आसान है जो मैं आप लोगों का दिखाना ले रहा हूँ। आप लोग को कुछ पहले प्ले स्टोर ओपन कर लेना है, ठीक है। पहले देखना आप लोग कि कौन से जीमेल से आप लोग खरीद रहे हो। तो प्ले स्टोर में देखो ये वही वाला जीमेल है। तो इस जीमेल का आप लोगों को जाना पड़ेगा पेमेंट एंड सब्सक्रिप्शन, इधर पर सब्सक्रिप्शन, इधर पर आने के बाद आप लोग कैंसिल कर दो, ठीक है। अगर आज का दिन भी आप लोग कैंसिल करोगे, अगर इधर पर कैंसिल ऑप्शन आता है तो ही कैंसिल करना, वरना कुछ उल्टा सीधा काम करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कैंसिल ऑप्शन आता है तो ही कैंसिल करना, और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा पूरा, कोई चांस नहीं होगा कि आप लोगों का यूसी ना मिले, क्योंकि एक बार खरीदने के बाद उसकी वैलिडिटी 30 दिन तक ही रहते है। सोच रहे कि आपने कोई रिचार्ज किया बैलेंस का, आई मीन डाटा पैक का, तो क्या वो 30 दिन से पहले आप कैंसिल करोगे तो वो कैंसिल हो जाएगा, नहीं होगा कैंसिल, तो वैसे एकदम सेम है। तो बस आज का भी तो इतने, तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल कर सकते हैं, बाय।